Hello and welcome to the second part of the video session, second part of the eighth video session for Word Power Made Easy. The author's name is Norman Lewis and we are going to continue the eighth video. So this is the second part. And if you have missed the first part, please go to the playlist and find the part 1 of video 8 for this series. Thank you. अगर आप लोग first part miss कर चुके हैं तो आप लोग playlist में जाके फर्स्ट पार्ट ऑफ द एट्थ वीडियो देख सकते हैं. ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, एट्थ वीडियो का सेकंड पार्ट. सो लेट्स कंटिन्यू विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन ऑन दिस. वी लेफ्ट ऑन द पॉइंट ऑफ इनइक्विटी एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट इनइक्विटी स्पेल्ड एज INEQUITY के बारे में हमने डिस्कशन किया था पिछले सेशन में, जिसका मतलब होता है अनफेयरनेस, या फिर किसी चीज़ की तरफ ज़्यादा रुझान होना और दूसरी चीज़ को इग्नोर करना. फेवरिंग वन थिंग एट अ टाइम वाइल इग्नोरिंग दी अदर और टू बी बायस्ड टूवर्ड्स वन थिंग इज अनफेयरनेस और इनइक्विटी. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड दैट सेज INIQUITY. Inequity. Okay. I will have to explain this with the help of religion, or you may call it mythology, or even you may take the example of Bible, or Quran, or Gita, or whatever religious book you believe in. Okay. Inequity, spelled as INEQUITY, which means unfairness, is considered to be a sin. हम लोग गीता, कुरान या बाइबल में या फिर गुरु ग्रंथ साहब में का एग्जाम्पल लेंगे जिससे हम लोग इन दोनों शब्दों के बीच का अंतर समझ सकेंगे. इन INEQUITY और INIQUITY का अंतर समझना होगा. द थिंग इज, सी, इनइक्विटी और अनफेयरनेस इज कंसिडर्ड टू बी अ सिन. इनइक्विटी या फिर अनफेयरनेस या फिर किसी तरह का बेईमानी को, किसी भी तरह की बेईमानी को हम लोग एक पाप मानते हैं. इट्स कंसिडर्ड अ सिन. सो वी आर कंपेयरिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अनफेयरनेस टू अ सिन. हम लोग इस छोटे से वर्ड इनइक्विटी या अनफेयरनेस को पाप के तौर पे देख रहे हैं. और जब ये छोटा सा अनफेयरनेस पाप की तौर पे देखा जाता है, एक जघन्य अपराध की तौर पे देखा जाता है, तो उसे माना जाता है इनइक्विटी. और इनइक्विटी का सीधा सीधा अर्थ होता है सिन या फिर वाइस, या फिर हिंदी में कहें तो पाप, पाप या फिर जघन्य अपराध. ओके, इन इंग्लिश आई विल एक्सप्लेन दिस. सी, इनइक्विटी व्हेन कंसिडर्ड टू बी अ सिन, वाज कंसिडर्ड टू बी अ सिन इन कुरान और बाइबल और एनी माइथोलॉजी. इफ अनफेयरनेस इज कंसिडर्ड अ सिन, इज कंसिडर्ड अ सिन, इट विल बी कंसिडर्ड टू बी अ ग्रेव misdeed, and such misdeeds, any misdeed or sin or vice is explained or mentioned in the form of INIQUITY, that is sin or vice. So if you are saying that he has a very grave vice, then you can say that he has very grave iniquity instead. Or if he has committed a sin, he has committed an iniquity, spelt with INIQUITY. अगर आप किसी को कहते हैं कि आपने पाप किया है, तो आप ये कह सकते हैं कि उसने iniquity किया है, जो कि INIQUITY है. Iniquity का सीधा सीधा अर्थ होता है पाप. Please remember, कृपया याद रखें डिफरेंस, जो अंतर होता है इनइक्विटी INEQUITY और INIQUITY में. आगे बढ़ते हैं. ओके, इक्वानिमिटी. इक्वानिमिटी शब्द का अंतर समझाने से पहले
आई विल रिक्वेस्ट यू टू हैव अ लुक एट दिस वर्ड एनिमल. इक्वानिमिटी वर्ड बिफोर एक्सप्लेनिंग द वर्ड इक्वानिमिटी वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड एनिमल. I will tell you what does the root word animus or anim mean. मैं बताऊंगा root word anim का मतलब क्या होता है. Anim means mind. Mind. Anim का मतलब होता है मस्तिष्क, mind या brain. तो जिस किसी के पास भी anim है या brain है या mind है, he is an animal. वो एक animal है. Whoever or whatever has his own anim, has its own brain, is considered to be an animal. So, animal word literally means what? One which has a mind of its own. अगर किसी किसी के पास उसका अपना दिमाग होता है तो उसे एनिमल कहते हैं. एनिम, एनिम का मतलब होता है माइंड, उसी से आया एनिमल. एनिमल का हिंदी अगर शब्द बोला जाए तो होता है जानवर, जंतु. जंतु के पास खुद का दिमाग होता है तो इसलिए उसे जंतु कहा. ओके, इक्वानिमिटी. इक्वानिमिटी जो शब्द है, द वर्ड इक्वानिमिटी हैज टू रूट वर्ड्स. इट हैज टू रूट वर्ड्स. इक्वस एंड एनिम फॉलोड बाय द नाउन फॉर्म टी वाई. ओके, इक्वानिमिटी वर्ड का दो रूट वर्ड्स हैं, इक्वस स्पेल्ड एज ए ई क्यू यू एस एंड एनिम जिसका मतलब होता है माइंड. तो इक्वानिम, इफ टू पीपल, अगर दो व्यक्ति हैव सेम माइंड और थिंकिंग अबाउट something, they are equanimous. Equanimous about it, on it. अगर दो व्यक्ति किसी चीज के बारे में सेम विचार रखते हैं, सिमिलर विचार रखते हैं, तो वो लोग क्या हैं, उस वस्तु के प्रति इक्वानिमस है, सेम विचारधारा रखते हैं. टू पीपल हैविंग सेम थॉट्स और माइंड अबाउट अ थिंग आर इक्वानिमस ऑन इट. दो व्यक्तियों की विचारधारा एक हो सकती है. इफ टू पीपल हैव द सेम थिंकिंग अबाउट अ थिंग देन दे आर इक्वानिमस अबाउट इट. Nothing to explain more about it. For example, you are having a discussion and you come to an agreement. उदाहरण के तौर पर अगर दो लोग एक discussion कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, और वो लोग एक संधि पे आते हैं, एक common विचारधारा पे आते हैं, तो उन्हें equanimous कहा जाता है. Okay, equability. मतलब बहुत साफ है. द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज वेरी सिंपल. इक्वेबिलिटी कंसिस्ट ऑफ हैज रूट वर्ड्स इक्वल, इक्वस ए ई क्यू यू एस एंड एबिलिटी. इक्वेबिलिटी मीन्स being equally able. अगर दो व्यक्ति समान रूप से सक्षम हैं
तो वो लोग इक्वेबल हैं, या फिर और इक्वली एबल, वो लोग समान रूप से सक्षम है किसी कार्य को करने में, तो उसे इक्वेबल कहते हैं, उन लोगों को इक्वली एबल कहते हैं, या फिर शॉर्ट में कहते हैं इक्वेबल, दे आर इक्वली एबल और इक्वेबल, इक्विलिब्रियम। ओके, लेट्स फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड लिब्रा। हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड लिब्रा बिफोर? लिब्रा शब्द का आप लोग मतलब कभी जानने की कोशिश की है, या फिर आपने इस शब्द को कभी सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड लिब्रा? इंग्लिश हु हैव द आइडिया ऑफ जोडियक साइंस, राशिफल की जानकारी उन जिन्हें है, दे हैव द नॉलेज अबाउट द साइन लिब्रा। जिन्हें राशिफल की जानकारी है उन्हें तुला राशि के बारे में जानकारी होगी, एंड लिब्रा मीन्स बैलेंस, लिब्रा मीन्स बैलेंस, लिब्रा का अर्थ होता है संतुलन। और अगर आप तुला राशि का मतलब समझें तो तुला राशि में एक तराजू का चिन्ह होता है, एक तराजू का चिन्ह होता है। द साइन ऑफ लिब्रा इज अ बीम बैलेंस, एंड एक्चुअली लिब्रा मीन्स बैलेंस। आई विल शो यू द साइन ऑफ लिब्रा, और मैं आपको लिब्रा या तुला राशि की जो पिक्चर होता है वो दिखाना चाहता हूँ। सो लेट्स गो टू गूगल एंड सी लिब्रा, इमेजेस में जाइए और देखिए तुला राशि। दिस इज द साइन फॉर लिब्रा, इट्स अ बीम बैलेंस। लिब्रा का ये साइन है, या फिर तुला राशि का ये साइन है, जो एक तराजू है, एंड लिब्रा का मतलब होता है बीम बैलेंस, या फिर तराजू, या फिर बैलेंस। सो लिब्रा एक्चुअली मीन्स बैलेंस, एंड इक्विलिब्रियम मीन्स इक्वली बैलेंस्ड, इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ इक्वल बैलेंस। इक्विलिब्रियम स्टेट कब कहते हैं? जब इक्विलिब्रियम स्टेट कब होता है? जब तराजू के दोनों पलड़े समान होते हैं। वेन एवर द प्लेट्स और द पैंस ऑफ द बीम बैलेंस आर एट इक्वल लेवल, और इक्वल इन लेवल, दे आर कंसिडर्ड टू बी इन बैलेंस। सो समान संतुलन, या फिर अगर कहा जाए तो अगर संतुलन की स्थिति को इक्विलिब्रियम कहते हैं, बराबर की स्थिति, बराबर के बैलेंस पे अगर कोई चीज़ है तो इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रिस्ट, इक्विलिब्रिस्ट शब्द आया इक्विलिब्रियम से। द वर्ड इक्विलिब्रियम हैज कम फ्रॉम, सॉरी, द इक्विलिब्रिस्ट वर्ड हैज कम फ्रॉम इक्विलिब्रियम। इसका अर्थ होता है, इट मीन्स द वन विच मेंटेन्स इक्विलिब्रियम, द वन विच मेंटेन्स इक्विलिब्रियम, जो संतुलन को बनाए रखे उसे इक्विलिब्रिस्ट कहते हैं, जो संतुलन को बनाए रखे उसे इक्विलिब्रिस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, आवर मदर नेचर, या फिर प्रकृति, और यू में से गॉड या भगवान इक्विलिब्रिस्ट का काम करते हैं। वो लोग क्या करते हैं? संतुलन को बना के रखते हैं। एग्जाम्पल, गॉड और नेचर कैन बी कंसिडर्ड टू बी इक्विलिब्रिस्ट्स। ओके, इक्वेटर, इक्वेटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इक्वेटर? हिंदी में भूमध्य रेखा, एंड यू नो द 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कंसिडर्ड टू बी
इक्वेटर ऑफ द अर्थ, इक्वेटर। भूमध्य रेखा क्या करती है? पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हेमिस्फेयर्स। तो इक्वेटर वर्ड कम्स फ्रॉम इक्वस, एंड इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इंटू टू इक्वल पार्ट्स या फिर हेमिस्फीयर। हमारे पृथ्वी को दो बराबर के हिस्सों में बांट रही है, इसीलिए वो इक्वेटर है। वो भूमध्य रेखा बांट रही है हमारे पृथ्वी को दो हिस्सों में। इट इज डिवाइडिंग द अर्थ इंटू टू इक्वल हाफ, सो दैट इज इक्वेटर। इट इज इक्वेटिंग, इक्वली डिवाइडिंग द अर्थ, सो दैट इज वाई इट इज इक्वेटर। ओके, इक्विवेलेंट। बिफोर डिस्कसिंग द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट शब्द का डिस्कशन करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ट्राई रिमेंबरिंग द वर्ड वैलेंसी। वैलेंसी शब्द का मतलब आप लोगों को वैलेंसी शब्द का मतलब स्पेलिंग गलत बता रहा है, मैं देख लेता हूं एक बार। वैलेंसी, VALENCY, वैलेंसी, मैंने भी यही लिखा है, VALENCY, वैलेंसी। वैलेंसी का अर्थ सही है। देखिए, हो सकता है कि ये सॉफ्टवेयर पुराना हो गया हो, वर्ड डॉक्यूमेंट पुराना हो गया हो। मे बी द वर्ड डॉक्यूमेंट हैव गॉट आउट ऑफ डेट, सो दैट इज वाई इट इज शोइंग इट रॉन्ग, बट द स्पेलिंग ऑफ वैलेंसी इज करेक्ट। एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड वैलेंसी, ट्राई टू रिमेंबर इट। आप लोगों को ये याद करना है कि वैलेंसी का अर्थ क्या होता है। ओके, वी विल ये केमिस्ट्री का टर्म है वैलेंसी। इसका अर्थ होता है वैल्यू, इट मींस वैल्यू। वैल्यू याद कीजिए, H2O यानी वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की क्या वैलेंसी थी? व्हाट वाज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इन H2O? 2-, राइट? 2- था वैलेंसी ऑक्सीजन का इन H2O, और हाइड्रोजन का क्या था? +1। द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन वाज +1। So what was it? Actually, it was a value, and the sum of the valencies was always zero for a neutral molecule. जब भी आप दो valencies का sum निकालते थे, total valency of the molecule हमेशा क्या निकलता था? Zero निकलता था। अगर वो neutral molecule है तो उसका valency zero होता है, मतलब उसका value zero होता है। The sum of a neutral molecule was zero because -2 and +2 of the two hydrogens was always amounting to zero. That means the molecule of the hydrogen was a neutral one. The molecule of water was a neutral one. So it may be considered that the value of water was zero. So valency means value. Okay, it is actually Latin val. And the root word जो है is val, V-A-L, val. Okay, equivalent, very equal meaning. Equivalent means having equal value. अगर दोनों दो चीजों का मूल्य समान है तो वो लोग equivalent है। अगर कोई किसी चीज़ को रिप्लेस कर रहा है, अगर
कोई किसी चीज को रिप्लेस कर रहा है, उसके बदले में काम समान रूप से कर रहा है, तो इक्विवेलेंट है. इफ अ थिंग रिप्लेसेस समथिंग एंड देन वर्क्स एग्जैक्टली द सेम और ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम, व्हेन देन वी कैन कंसिडर दैट द सेकेंड थिंग विच हैज रिप्लेस द फर्स्ट थिंग इज इक्विवेलेंट और हैज इक्वल वैल्यू टू द फर्स्ट वन एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन. सो इट इज इक्विवेलेंट. वेरी इजी वर्ड, नो मोर डिस्कशन नीडेड. इक्वी डिस्टेंट, इक्वी डिस्टेंट सिमिलर टू इक्विवेलेंट, हैविंग इक्वल डिस्टेंस, हैविंग इक्वल डिस्टेंस, समान दूरी पे जो अगर है तो इक्वी डिस्टेंट है. डिस्टेंट किससे आया? डिस्टेंस से आया. डिस्टेंस मतलब होती है दूरी, डिस्टेंस, एंड इफ इट इज इक्वल देन इट इज इक्वी डिस्टेंट. इक्वी डिस्टेंट दो बार लिखा जा चुका है, नो नीड टू डू इट अगेन. ओके, इक्वी एंगुलर, हैविंग इक्वल एंगल्स. Equiangular, having equal angles. Okay, equilateral, having equal sides. For example, equilateral triangle. Lateral means sine or side. Sorry. Example. Equilateral triangle. Lateral शब्द का मतलब होता है साइड, या फिर इन केस ऑफ अ ट्राइंगल अगर आप एक सम त्रिभुज की बात करें तो उसमें लैटरा, लैटरा मतलब होता है साइड. इंग्लिश में कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल. क्यों कहते हैं आज हम लोगों ने जाना, बिकॉज इट हैज इक्वल साइड्स. लैटरा मीन्स साइड, सो इट हैज इक्विलैटरल नेचर. इक्वेस्टेरियन. ओके, एक सर ये क्या हो गया, ये क्या है इक्वा? AEQUS मीन्स इक्वल, एंड एस्ट्रियन तो हम लोगों ने जाना था कि स्टार को कहते हैं. सो सर if we consider the root words it means equal star. Astrian means star or mover, just like in pedestrian. Ped means foot and astrian means we move about on the foot, right? So it does not make any sense. Sir koi sense nahi ban raha hai. Equal jo saman roop se chalte hain unhe equestrian kehte hain. No, it is not like that. Equus एक नया रूट वर्ड है, एक अलग रूट वर्ड है इक्वस. प्लीज नोट द स्पेलिंग ऑफ द रूट वर्ड इक्वस, EQUUS, इक्वस. इसका मतलब होता है हॉर्स, हॉर्स. अश्व, हिंदी में अश्व, उसे इक्वस कहते हैं. And if you are from bio or you have your, if you remember the scientific name of horse, it is equus equus. I will show you equus equus. Equus equus. It's a horse. Equus means a horse. एक घोड़े को का जो रूट वर्ड होता है इक्वस. सो इक्वेस्टेरियन, इक्वेस्ट्रियन. सो इक्वस मींस हॉर्स एंड एस्ट्रियन मींस मूवर, करेक्ट? सो इक्वेस्ट्रियन मींस हॉर्स राइडर. इक्वस का मतलब होता है अश्व, और एस्ट्रियन का मतलब होता है जो घूमते हैं या मूव करते हैं.
जो एक स्थान से दूसरी स्थान पे जाते हैं। तो इक्वेस्ट्रियन का मतलब कौन सा हुआ? इक्वेस्ट्रियन का मतलब हुआ जो घुड़सवार, जो घोड़े पे सवार रहते हैं या घोड़े पे सवारी करते हैं, उन्हें इक्वेस्ट्रियन होता है, कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर पेडेस्ट्रियन। मूविंग ऑन फुट, मूव ऑन फुट, पेडेस्ट्रियंस मूव ऑन फुट, जो पैरों पर चलते हैं उन्हें पेडेस्ट्रियन कहते हैं, जो घोड़े पे चलते हैं उसे इक्वेस्ट्रियन कहते हैं। इक्वेस्ट्रियन एंड एस्ट्रियन इज कंसिडर्ड टू बी मेल, एंड जो इक्वेस्ट्रियन का जो एस्ट्रियन है वो मेल कंसिडर किया जाता है। तो फीमेल के लिए अलग से, इफ़ यू वॉन्ट टू डिफ्रेंशिएट, अगर आप दोनों में अंतर स्थापित करना चाहते हैं, तो फीमेल घुड़सवारों के लिए भी, महिला घुड़सवार के लिए भी एक अलग से शब्द दिया हुआ है। इसका मतलब हो, उसका स्पेलिंग है EQUESTRIN, इक्वेस्ट्रॉइन। स्पेलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। EQUESTRIN, इक्वेस्ट्रॉइन। देखिए, स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है कभी कभी, क्योंकि पूरी बुक बहुत पहले ही पढ़ी जा चुकी है। ये बुक थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, देर मे बी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स, बट वी ऑल आर ट्राइंग टू लर्न टुगेदर, सो देर मे बी सम मिस्टेक समटाइम, सो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दैट एंड वी विल टुगेदर कंटिन्यू लर्निंग विदाउट एनी मिस्टेक्स। EQUESTRIENE, इक्वेस्ट्रॉइन इज द फीमेल हॉर्स राइड। सो द हॉर्स इज नॉट फीमेल, फीमेल घुड़सवार, घोड़ा या फिर घोड़ा फीमेल नहीं है, द राइडर इज फीमेल, फीमेल हॉर्स राइडर। इक्वेस्ट्रॉइन, EQUESTRIENE, इक्वेस्ट्रॉइन, इक्वेस्ट्रॉइन। ओके, पेडेस्ट्रियन जो मूव करते हैं फुट पे, जो इक्वेस्ट्रियन होते हैं वो मूव करते हैं हॉर्स पे, ठीक है। इक्वाइन, इक्वाइन का मतलब होता है हॉर्स। और रिलेटेड टू हॉर्स, अगर घोड़ों का खाना है, इक्वाइन वर्ड इज एन एडजेक्टिव, इक्वाइन जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है, और इक्वाइन किसी भी अश्व संबंधित चीज को इक्वाइन कहा जा सकता है। वट एवर इज रिलेटेड टू अ हॉर्स कैन बी कंसिडर्ड टू बी इक्वाइन, इक्वाइन, EQUINE, इक्वाइन। फॉर एग्जाम्पल, घोड़े के खाने को इक्वाइन फूड कहा जा सकता है। इफ यू कंसिडर द फूड ऑफ अ हॉर्स, इट कैन बी सेड दैट इट इज इक्वाइन फूड। ओके, सो इक्वस, इक्वस, EQUUS मीन्स हॉर्स, इट इज द जीनस ऑफ हॉर्स, एंड फ्रॉम देयर कम्स इक्वेस्ट्रियन, इक्वेस्ट्राइन, दैट इज द फीमेल हॉर्स राइडर। पेडेस्ट्रियन यू ऑल रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस वीडियोज, एंड इक्वाइन, वॉट एवर इज रिलेटेड टू हॉर्स इज इक्वाइन। ओके, लेट्स लर्न समथिंग अबाउट नाइट, इक्विनॉक्स। इक्वल एंड नॉकस, नॉक जो शब्द है, NOCUS, नॉकस, इसका मतलब होता है नाइट। तो इक्विनॉकस, इक्विनॉकस, हम लोग वापस से AEQ में आ गए। AEQUS मीन्स इक्वल, सो इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स इज इक्वल नाइट।
इक्वल नाइट, ये एक ज्योग्राफिकल फेनोमेनन है. दिस इज अ ज्योग्राफिकल फेनोमेना व्हेन टू नाइट्स हैव द सेम ड्यूरेशन. दो रातों की अवधि जब सेम होती है तो उसे इक्विनॉक्स कहते हैं. जहाँ तक मुझे याद है, दो रात वो होते हैं जब जिनकी लंबाई सेम होती है. वो रातें हैं 21 मार्च और 21 सितंबर. सी, इक्विनॉक्सेस आर टू नाइट्स हुज ड्यूरेशन इज द सेम. एज फार एज आई रिमेंबर द डेट्स आर 21st ऑफ मार्च एंड 21st ऑफ सेप्टेम्बर. सो दीज नाइट्स आर इक्वल, सो दे आर इक्वल नाइट्स. सो नॉक्स मीन्स नाइट. नॉक्स का रूट वर्ड है, नॉक्स एक रूट वर्ड है या नॉकस एक रूट वर्ड है. नॉक्स मीन्स नाइट या रात्रि, उसी से आया इक्वल नाइट. सो इक्विनॉक्स मीन्स इक्वल नाइट्स. इक्विनॉक्स, इक्वल नाइट्स. ओके, नॉक्टर्नल सेम थिंग. नॉक और नॉकस मीन्स नाइट. नॉक या नॉकस का मतलब होता है नाइट. जो वो जंतु जो रात्रि में जागते हैं उन्हें नॉक्टर्नल कहते हैं. वट एवर ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग्स दैट आर अवेक एट नाइट आर नॉक्टर्नल. नॉक्टर्नल इट कम्स फ्रॉम नॉक्स और नॉकस विच मीन्स नाइट. द एनिमल्स विच स्टे अवेक at night. For example, bat, owl. उदाहरण के तौर पे चमगादड़, उल्लू, ये nocturnal है. These are nocturnal animals. वे रात्रि में जागते हैं. Knock या knockers comes from night. Knockers, knock means night and उसी से आया nocturnal. वो जंतु जो कि रात्रि में जागते हैं. नॉक्टर्नल मीन्स दोज एनिमल्स विच स्टे अवेक एट नाइट. दोज आर नॉक्टर्नल एनिमल्स. एंड नॉक्टर्न सेम थिंग. द नेचर ऑफ बीइंग नॉक्टर्नल. नॉक्टर्नल और यू मे कंसिडर इट टू बी adjective. Nocturne, nocturne, nocturne. Nocturne is adjective as well as both are adjectives and both mean the same thing. Dono ka arth same hota hai, dono adjectives hain. Sir, dono adjectives hain. Both are adjectives. What will be the noun of it? Nocturnity. Nocturnity will be the noun form of nocturnal. Nocturne. Suppose nocturne and nocturnal are adjectives and both mean the same thing, that whatever animals that stay awake at night are nocturnal, then what will be the noun? It will be nocturnity. Nocturnity is the noun. Raise your voice. Okay. Vociferous. Voca. Vociferous jo word hai. Vociferous जो वर्ड है, in which voca means sound. Voca या फिर vocus means sound. And ferus means to carry. For example, in ferry, you have known the word ferry, F-E-R-R-Y, ferry. What is a ferry? A ferry is a small boat that carries something from one side to the other. Ferry जो है, F-E-R-R-Y, ferry, क्या करता है? Ferry एक छोटी सी नाव होती है जो कि चीजों को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाता है. तो
फेरस FERUS जो शब्द है इसका सीधा सीधा अर्थ होता है टू कैरी, कैरी करना या फिर ढोना, ठीक है। तो वोसीफेरस, वोसा वोका और वोकस मींस साउंड, जो साउंड, वो साउंड जो कैरी करता है। सर समझ में नहीं आया, वट एवर कैरीज साउंड इज वोसीफेरस। सर इट्स नॉट क्लियर, ठीक है, ओके। वोसीफेरस एक्चुअली इट इज एन ओपिनियन दैट कैरीज साउंड और वैल्यू और इम्पोर्टेंस। सर वोसीफेरस वो ओपिनियन है, वो ओपिनियन है जो साउंड कैरी करता है या फिर वैल्यू कैरी करता है या फिर इम्पोर्टेंस कैरी करता है। इट इज दैट ओपिनियन विच हैज वेट, उस ओपिनियन में दम है, उस विचार में दम है, तो वो वोसीफेरस है। अगर आप अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं और उसमें दम हो तो दोज आर वोसीफेरस ओपिनियंस। आपने अपने विचारों को बहुत ही दम खम से रखा है, यू हैव केप्ट योर ओपिनियन इन फ्रंट ऑफ द पीपल विथ अ वॉइस, योर योर ओपिनियंस कैरी द वॉइस और इम्पॉर्टेंस और द साउंड। दीज काइंड ऑफ ओपिनियंस आर कॉल्ड वोसीफेरस ओपिनियंस, एंड इफ यू आर डूइंग सो देन द एक्ट इज कॉल्ड वोसीफेरोसिटी। अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो नाउन हो जाएगा वोसीफेरोसिटी, एंड वोसीफेरस इज एन क्या है, वोसीफेरस एडजेक्टिव है। क्या किसको डिफाइन करता है, आपके कार्य को डिफाइन करता है, आप जो कर रहे हैं वो क्रिया को, क्रिया नहीं सॉरी क्रिया नहीं, उस चीज को डिफाइन करता है, उस चीज को डिस्क्राइब करता है, तो वो वोसीफेरस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इट इज डिस्क्राइबिंग द थिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट, सो इट इज वोसीफेरस। जस्ट लाइक एन ओपिनियन, वी आर टॉकिंग अबाउट द ओपिनियन, देन इट इज वोसीफेरस ओपिनियन। उसमें दम है, उसकी बात में दम है। यू हैव ऑलवेज सेड दैट सर योर वॉइस हैज गॉट वेट इन इट और वैल्यू इन इट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो इट्स वोसीफेरस। आप लोग हमेशा कहते हैं कि हाँ आपकी बात में दम है, तो उसमें कहाँ से आया, वो वोसीफेरोसिटी आया। प्लीज रिमेंबर दैट इट इज़ नॉट FERROUS। आप लोगों को याद रखना है कि ये FERROUS नहीं है, इट इज़ FERUS, फेरस, जिसका मतलब होता है टू कैरी, टू कैरी। सिमिलरली इन फेरी में, जैसे कि एग्जाम्पल फेरी में FERRY, एग्जाम्पल फेरी, फेरी फेरी क्या करता है, कैरी करता है, डिंगी जिसे हिंदी में कहते हैं। ओके आई शो यू द पिक्चर ऑफ अ फेरी सो दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर। मैं आपको फेरी का पिक्चर दिखाता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा फेरी क्या होता है। दिस इज अ फेरी, एनी बोट्स, दीज आर बोट्स, दे टेक यू फ्रॉम वन साइड टू द अदर, दीज आर बोट्स, दे आर फेरीज, दे कैरी यू फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बैंक टू द अदर। ओके वोकल कम्स फ्रॉम रिलेटेड टू वॉइस इज वोकल। अगर साउंड से या फिर बात आवाज से रिलेटेड कोई चीज है तो वो वोकल है, वोकल, इट्स ऑल्सो एन एडजेक्टिव। वोकल, वोकलाइज, वोकलाइज करना, किसी चीज को आवाज देना, किसी चीज को बातों से प्रकट करना। वोकलाइज, टू वोकलाइज मीन्स टू एक्सप्रेस समथिंग इन योर वॉइस, टू एक्सप्रेस समथिंग इन योर वर्ड्स और विथ योर वॉइस इज वोकलाइज। टू एक्सप्रेस इन वॉइस इज वोकलाइज। और
ओके वोकल्स, अनदर थिंग वोकल्स, वोकल्स कहते हैं वॉइस पार्ट ऑफ अ सॉन्ग। वोकल्स आर द वॉइस पार्ट ऑफ द सॉन्ग, जो आवाज की बात होती है। अगर कोई सिंगर गा रहा है तो उस पार्ट को वोकल कहते हैं। आपने कहा ना जैसे ये ये किनकी आवाज है, लता मंगेशकर की आवाज है सर, तो आप क्या कहते हैं, लता मंगेशकर ने इनके वोकल्स किए हैं। आप ये कहेंगे कि लता मंगेशकर ने इनके वोकल्स किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सॉन्ग इज संग बाय लता मंगेशकर, शी हैज एक्चुअली गिवन दी वॉइस टू दी सॉन्ग, सो शी इज डूइंग द वोकल्स पार्ट ऑफ द सॉन्ग। सो वोकल पार्ट ऑफ द सॉन्ग और वॉइस पार्ट ऑफ द सॉन्ग इज वोकल्स, एस, वोकल्स इज ऑलवेज सिंगुलर। वोकल्स जो वर्ड है वो, सॉरी, वोकल्स इज ऑलवेज प्लूरल, वोकल जो वर्ड है वो प्लूरल है, वो बहुवचन है। ओके, मैग्ना वॉक्स अ रेडियो कंपनी, मैग्ना वॉक्स एक रेडियो कंपनी है जो कि रेडियोज बनाती है। मैग्ना, मैग्ना मीन्स, और मैग्नस, सॉरी, मैग्नस मीन्स लार्ज। मैग्नस शब्द का अर्थ होता है लार्ज, तो मैग्ना वॉक्स तो लार्ज साउंड, बिग साउंड, द कंपनी दैट मेक्स बिग साउंड, इट इज द थीम। ये थीम था मैग्ना वॉक्स कंपनी का, जो कहते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करेंगे। सो इट्स अ रेडियो कंपनी, वो एक रेडियो कंपनी है, और उसमें जो शब्द है मैग्नस, MAGNUS, उसका मतलब होता है लार्ज, बड़ा साउंड प्रोड्यूस करेंगे हम लोग, बहुत आवाज करेंगे। इट मीन्स दैट दे विल प्रोड्यूस लॉट ऑफ साउंड, लॉट ऑफ नॉइज। सो द सच रेडियोज वर प्रोड्यूस्ड बाय मैग्ना वॉक्स। मैग्ना वॉक्स इज एक्चुअली अ ब्रांड, MAGNAVOX, MagnaVox.com। सी दीज आर साउंड डिवाइसेस, ग्रामोफोन, रेडियोज एक्सेट्रा, यू कैन सी देर आर लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मैग्ना वॉक्स, साउंड रिकॉर्डर्स, रेडियोज, दिस इज अ रेडियो, सॉरी इट इज अ ग्रामोफोन कम रेडियो। ये एक ग्रामोफोन भी है और साथ में रेडियो भी है, देख रहे हैं आप, मैग्नावॉक्स ये बड़ी बड़ी साउंड साउंड की डिवाइसेस बनाती थी। इट यूज टू मेक साउंड इंस्ट्रूमेंट और रेडियो इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, सेशन 4 एंड 5 सर, रिवीजन कर लेते हैं, लेट्स डू द रिवीजन बिफोर मूविंग इनटू द सेशन, नेक्स्ट सेशन। इक्विटी, यू नो व्हाट इज इक्विटी, इनइक्विटी और इनइक्विटी, INEQUITY और INIQUITY के बीच का डिफरेंस आप लोगों को पता हो गया होगा। इनइक्विटी मीन्स अनफेयरनेस, इनइक्विटी विद एन आई मीन्स वाइस और पाप। एनिमल, जिसके पास दिमाग है, हुएवर हैज माइंड हैज इज एनिमल। इक्वानिमिटी, हैविंग सेम माइंड और सिमिलर थिंकिंग, दोनों के पास सेम तरह की सोच है तो वो इक्वानिम है, इक्वानिमिटी उनकी प्रॉपर्टी है। इक्वेबिलिटी, अगर दोनों इक्वली रूप से एबल हैं, इफ टू पीपल आर इक्वली एबल, इफ दे आर इक्वी एबल, और इक्वेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी। इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस्ड, इक्वली बैलेंस्ड, एंड इक्विलिब्रियस्ट हु मेंटेन्स बैलेंस, इक्विलिब्रियस्ट वो होते हैं जो बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। वैलेंसी केमिस्ट्री का टर्म है जिसका मतलब होता है वैल्यू, वैलेंसी इज अ केमिस्ट्री टर्म विच मीन्स वैल्यू। इक्विवेलेंट मीन्स इक्वल इन वैल्यू, इक्वी डिस्टेंस मीन इक्वल इन डिस्टेंस या फिर सम दूरी, समान दूरी पे। इक्वी एंगुलर मीन्स हैविंग इक्वल एंगल्स, सपोज टू एंगल्स हैव इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स, ऑल इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। अगर दो ट्राइंगल्स हैं, दो त्रिभुज हैं जिनके कोण समान है तो उन्हें क्या कहते हैं, समान, समकोण, और इंग्लिश में कहेंगे इक्वी एंगुलर। इन इंग्लिश वी विल कॉल इट इक्वी एंगुलर। इक्वी लैटरल मीन्स हैविंग इक्वल साइड्स, लैटरा मीन्स साइड्स। ओके, आई विल एक्सप्लेन वन मोर थिंग विद द हेल्प ऑफ लैटरल, 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 लैटिट्यूड, यू रिमेंबर लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, दीज आर इमेजिनरी लाइन्स, राइट,
latitude. Imaginary lines which maintain, which show in what position of the hemisphere are we. हम लोग ये जान सकते हैं लैटिट्यूड से कि वो लोग हम लोग कितनी दूरी पे हैं अर्थ के इक्वेटर से, या फिर हम लोग अर्थ के साउथ में हैं या नॉर्थ में हैं, वेदर वी आर इन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर वेदर वी आर ऑन द साउथ ऑफ द इक्वेटर इज मेजर्ड बाय लैटिट्यूड्स एंड इट हैज द रूट वर्ड लैटेरा इन इट. Cavalry, equus, EQUUS means horse. Equus का मतलब होता है horse. अगर equestrian वो होते हैं घुड़सवार, equestrian means rider and equestrian means female riders. Equine means related to a horse. For example, horse food can be called equine food. Equinox means, nox means night, so equinox means equal night. 21st March and 21st September. Okay, we will check with the help of Google whether I am correct or not, whether we are correct or not. Equinox dates. Equinox. Spring equinox, 22nd September. Okay, see this. I was wrong. See, 20th March, spring equinox, and 22nd September, and June 21st and December 21st. These are the equinoxes. On these nights, ये वैसी रातें हैं. 20th March. जून 21st, सितंबर 22nd, दिसंबर 21, जबकि रातों की लंबाई या फिर रातों की अवधि सेम होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है. तो इक्विनॉक्सेस, डिलीट दिस. इक्विनॉक्टरल, इक्विनॉक्टर्नल मींस वो जंतु जो कि रात में जाते हैं. नॉक्टर्नल आर दोज एनिमल्स विच stay awake at night. For example, bats, owls. Nocturne, the nature of being nocturnal is nocturne. Vociferous, agar aapki baaton mein dam hai, if your opinions carry weight, carry sound, then it is vociferous. Vocal is related to voice. Jo vocal hote hain wo log bahut damdar hote hain, awaaz se bol sakte hain acche se. Vocalize karna, kisi baat ko bolna, prakat karna. Vocalize means to express in voice. Vocals is voice part of the song. If someone sings, अगर कोई गा रहा है किसी गाने को तो वो क्या कर रहा है, उस गाने के vocals part को कर रहा है, ठीक है. Magnavox एक radio company है. Magnus का मतलब होता है large. Magnavox is a radio company and Magnus means large. Okay, let's move on to the fourth and the fifth session of this word, if this session. फोर्थ और फिफ्थ सेशन में आगे बढ़ते हैं हम लोग. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द मीनिंग ऑफ टिटिलेट. टिटिलेट का मतलब हम लोग आगे ही देख चुके हैं. इट मीन्स टू प्लीज द फिजिकल विश नीड्स ऑफ समवन और वन सेल्फ. टिटिलेट का मतलब होता है अपनी स्वयं की इच्छाओं, फिजिकल इच्छाओं को पूरा करना और खुश होना, या फिर किसी और की इच्छाओं की पूर्ति करके उन्हें खुश करने को भी टिटिलेट कहते हैं. ओके, नथिंग मोर टू डिस्कस. एंड इफ यू वांट मोर डिस्कशन, यू वांट टू नो अबाउट दिस मोर, प्लीज विजिट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एट्थ वीडियो. अगर आप लोग टिटिलेट वर्ड के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस बात पर डिटेल में डिस्कशन हो चुकी है फर्स्ट पार्ट ऑफ द एट्थ वीडियो पर. Adelaide to fulfill, sorry, Adelaide means to praise or worship someone in excess. अगर आप किसी की हद से ज्यादा पूजा कर रहे हैं या फिर हद से ज्यादा उनकी खुशामद कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, तो उसे
एडुलेशन कहा जाएगा, दैट एक्ट इज कॉल्ड एडुलेशन, एडुलेट कर रहे हैं। प्रोस्क्राइब, यू नो व्हाट इज प्रोस्क्राइब, टू राइट अगेंस्ट, फॉर एग्जाम्पल राइट अगेंस्ट, किसी के विरोध में लिखना प्रोस्क्राइब। जैसे अगर आपको शुगर है, आपको चीनी है, तो आपको डॉक्टर प्रोस्क्राइब करते हैं चीनी खाने से, आपको चीनी खाने से मना करते हैं। टू प्रोहिबिट फ्रॉम डूइंग समथिंग, और प्रोहिबिट कैसे करना, इन राइटिंग। प्रोहिबिट समथिंग, किसी चीज को रोकना, कैसे रोकना, लिख कर रोकना कि आपको ये चीज नहीं करनी है। जनरली डॉक्टर्स डू दैट। प्रोहिबिट मीन्स टू स्टॉप अगेंस्ट समथिंग। प्रोहिबिट करना मतलब होता है किसी चीज के विरोध में, उस किसी चीज का विरोध करके उसे रोक देना। प्रोहिबिट मतलब आपको पहले से ही बता दिया गया है कि आपको ये नहीं करना है। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट आपको रोक दिया गया है। कैसे रोकना, किसी और ने आपको पहले से ही बोल दिया है, रोक दिया है कि आप मत कीजिए वैसा। समवन हैज ऑलरेडी स्पोकन बिफोर दैट यू डू नॉट हैव टू डू दैट और यू कैन नॉट डू दैट, दैट इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, ओके। इनहिबिशन, इनहिबिट मींस टू स्टॉप oneself। अगर आप खुद को रोक रहे हैं तो आप अपने आप को इनहिबिट कर रहे हैं। इन मींस इनसाइड। टू स्टॉप oneself इज इनहिबिशन, इनहिबिट कर रहे हैं। हिबिट मतलब होता है स्टॉप, तो प्रोहिबिट अगेंस्ट, प्रोहिबिट मींस, प्रो मींस अगेंस्ट एंड हिबिट मींस टू स्टॉप। प्रोहिबिट मींस टू स्टॉप अगेंस्ट समथिंग, प्रोहिबिशन, दैट इज प्रोहिबिशन। एंड इनहिबिशन मींस टू स्टॉप वन सेल्फ इज इनहिबिशन। स्क्रिप्ट मींस राइटिंग, स्क्रिप्ट मतलब लेखन, स्क्रिबल करना मीन्स राइटिंग। इनडिस्टिंक्टली, स्क्रिबल मीन्स राइटिंग इनडिस्टिंक्टली और अस्पष्ट रूप से लिखना, आड़ी तिरछी लाइनें खींचना। स्क्रिबलिंग समथिंग मीन्स जस्ट ड्राइंग वॉट एवर रैंडम pictures or letters you want without any meaning. It may have some meaning, it may not have some meaning, that is scribbling. Describe means, D means down, down, just like in describe, D ka matlab hota hai down, just like decreasing or descending, you remember? आपको डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग में याद है, डी का मतलब होता है डाउन एंड स्क्राइब मींस टू राइट, राइट। डिस्क्राइब मींस राइट डाउन, डिस्क्राइब का मतलब होता है राइट डाउन, डिस्क्राइब का एक्चुअल मतलब होता है टू राइट अबाउट समथिंग, to write down about something. To write down about something in detail. Describe का मतलब होता है writing down, लिखा जाता है किसी के बारे में detail में, तो उसे describe कहते हैं, detail में लिखना। Okay, subscribe. सब्सक्राइब, जैसे आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो सब मींस डाउन, सब मींस अंडर, एंड स्क्राइब मींस डाउन।
सो व्हेन यू आर सब्सक्राइबिंग, सब का मतलब होता है उसके नीचे, तह के नीचे, सब का मतलब होता है अंडर, सब मीन्स अंडर, तो व्हेन यू आर स्क्राइबिंग सब और अंडर समथिंग, यू आर राइटिंग योर नेम अंडर समथिंग. सब्सक्राइब मीन्स टू राइट द नेम और योर नेम या वंस नेम अंडर समथिंग. सब्सक्राइब, जैसे आप किसी मैगजीन को सब्सक्राइब करते हैं. सपोज यू आर सब्सक्राइबिंग अ मैगजीन, यू आर एक्चुअली राइटिंग योर नेम अंडर दैट मैगजीन, दैट ये दिस मैगजीन इज माइन. अगर आप किसी मैगजीन को सब्सक्राइब करते हैं तो उस मैगजीन के नीचे आप अपना नाम लिखते हैं कि ये मैगजीन मेरी हुई. तो दैट इज सब्सक्रिप्शन. सो टू सब्सक्राइब मीन्स टू राइट योर नेम अंडर समथिंग. सब्सक्राइबिंग अ मैगजीन फॉर एग्जाम्पल, यू आर राइटिंग योर नेम अंडर समथिंग. व्हेन यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, यू आर एक्चुअली राइटिंग योर नेम अंडर माई चैनल. व्हेन एवर आई अपलोड अ वीडियो, इट गोज टू यू, द नोटिफिकेशन गोज टू यू, आपके लिखा हुआ है. व्हेन एवर आप जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं इस चैनल को, तो आपको एक नोटिफिकेशन जाता है कि हाँ एक नया वीडियो अपलोड हुआ है. अगर आप नहीं सब्सक्राइब करते तो आपको ये नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा. सिमिलरली यू आर राइटिंग योर नेम, आपको वो मिल जाएगा. तो दैट्स सब्सक्रिप्शन. सब मीन्स अंडर, इंस्क्राइब मीन्स राइटिंग इन साइड. अगर आप सब्स इंस्क्राइब कर रहे हैं तो आप उसके अंदर लिख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल राइटिंग योर नेम इन साइड अ बुक. इंस्क्राइब मीन्स आप इंस्क्रिप्शन कर रहे हैं. इंस्क्राइब कर रहे हैं मतलब जैसे आपके पास कोई डायरी है या फिर आपकी किताब है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ डायरी और यू हैव अ बुक दैट यू हैव बॉट. वॉट यू डू, यू राइट योर नेम, यू राइट योर नेम इन साइड इट सो दैट यू नो दैट इट इज़ माई बुक. आप लोग उसका अपना नाम उसके अंदर लिख देते हैं ताकि पता चले कि यहाँ ये आपकी बुक है, आपकी किताब है. तो दैट्स इंस्क्रिप्शन. इंस्क्राइब कर रहा है आप, राइटिंग इन साइड समथिंग इज इंस्क्रिप्शन. पोस्ट स्क्रिप्ट, राइटिंग आफ्टर पोस्ट स्क्रिप्ट. फॉर एग्जाम्पल राइटिंग आफ्टर द एंड ऑफ अ लेटर. पोस्ट स्क्रिप्ट, यू नो वॉट इज अ पोस्ट स्क्रिप्ट. सपोज यू हैव फिनिश्ड द लेटर ऑलरेडी एंड यू वॉन्ट टू राइट सम अदर नोट्स दैट आर इम्पॉर्टेंट. सो वॉट यू राइट, यू राइट पोस्ट स्क्रिप्ट, यू राइट आफ्टर द लेटर इज ऑलरेडी फिनिश्ड. अगर मान लीजिए आप एक पत्र लिख रहे हैं, एक चिट्ठी लिख रहे हैं और आपकी चिट्ठी खत्म हो चुकी है, आपने लिख दिया है सादर प्रणाम आपका पुत्र एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उसके बाद आपको याद आई कि कुछ अलग से कुछ लाइनें लिखनी थी, भूल गया मैं लिखने के लिए, तो आप क्या करते हैं, एक पोस्ट स्क्रिप्ट डालते हैं, दो लाइनें अलग से आप बाद में लिख देते हैं. तो दैट इज पोस्ट स्क्रिप्ट. पोस्ट मीन्स आफ्टर, बाद में. पोस्ट मीन्स आफ्टर. मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट, यू नो व्हाट इज मैन्यूस्क्रिप्ट, राइटिंग हैंड रिटन बुक, राइट, इज अ मैन्यूस्क्रिप्ट. मैन्यूस्क्रिप्ट मैनुअल, और मैन्यू मीन्स हैंड. तो हैंड स्क्रिप्ट और राइटिंग विद द हैंड इज कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट. लॉन्ग रोड ऑब्वियस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. वन मोमेंट, obvious, I am just trying to understand whether I have discussed obvious or not. Okay,
I'll tell you what is obvious or obviate. Obvious. O-B-V-I-O-U-S. It has two root words. Ob means, two root word hai obvious word mein. Ob means in between. And V8 via means road. Ob means between, in between, या फिर एकदम बीच में. ऑब का मतलब होता है एकदम बीच में और वाया का मतलब होता है रोड या फिर पथ हिंदी में. तो ऑब्वियस 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 मीन्स सो नोटिसेबल एज इफ केप्ट इन द मिडल ऑफ द रोड. ऑब्वियस का मतलब होता है इतना ज्यादा नोटिसेबल, आप उसको एकदम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ऐसे जैसे कि वो रोड के बीचों बीच रखा हुआ है. ऑब्वियस. ऑब मीन्स मिडल या फिर एकदम बिटवीन, एंड वाया मीन्स रोड. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गोइंग फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली वाया आगरा, अगर मैं कोलकाता से दिल्ली जा रहा हूँ आगरा के थ्रू, तो दैट इज obvious, sorry, that is, I am going from Kolkata to Delhi by road, and in that road comes Agra, so I am going via Agra. So via means road, and ob means in between. So in between, obvious means so noticeable. If you place a big stone in the middle of the road, anybody will be able to see it. अगर आप एक बड़ा सा पत्थर रख देते हैं रोड के बीचों बीच, तो कोई भी आदमी उसे आराम से नोटिस कर सकता है, कोई भी आदमी उसे देख सकता है. तो अगर कोई ऑब्वियस सी कंडीशन है, तो वो ऐसी कंडीशन है जो कि आराम से कोई भी देख सकता है, इतना जितना कि सड़क के बीचों बीच रखा हुआ पत्थर, उसमें कोई डाउट नहीं है. ऑब्वियट मीन्स टू मेक something obvious. 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 और obviate means, ये obviate हो गया ना verb. Obviate is verb. Obvious is adjective. And obviously, obviously means, obviously is the adverb, ठीक है, और obviousness is noun. सबका मतलब है कि एकदम noticeable, आराम से पता चलने वाला, समझ में आने वाला. It means noticeable, easily understood, easily noticeable is obvious. Trivia. Okay, another word, trivia. Via means, tri means three. And via means road, right? Road. ठीक है, tri का मतलब होता है तीन, तीन, और via means road. Just imagine a place on the road where three roads meet. एक ये चिंता कीजिए, ये आप समझिए कि ऐसा एक रोड जा रहा है, अचानक आप रोड पे जा रहे हैं और तीन रोड उससे बटे हुए हैं, तीन रोड वहाँ आगे मिल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? ट्रैफिक जाम. सर, ट्रैफिक जाम आज के ज़माने पे जहाँ पे तीन रोड मिल जाते हैं वहाँ ट्रैफिक जाम होता है. सी, द प्लेस वेयर थ्री रोड्स मीट, एक्चुअली इट्स अ प्लेस फॉर ट्रैफिक जाम. अ लॉट ऑफ कमोशन, अ लॉट ऑफ people, a lot many people will be there. It's a public place, very public place. वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, पूरा ट्रैफिक जाम हो जाएगा, सब कोई वहाँ पे इकट्ठा रहेंगे, हमेशा कोलाहल मचा रहेगा, हल्ला गुल्ला होते रहेगा.
एंड सपोज यू वॉन्ट टू टॉक टू समवन इन प्राइवेट और वेरी पर्सनल मैटर्स, आप लोग कोई एक बहुत ज़्यादा ही व्यक्तिगत मामले का डिस्कशन करना चाहेंगे या फिर इम्पॉर्टेंट मामले का डिस्कशन करना चाहेंगे, और सपोज यू वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड प्राइवेट, विल यू डिस्कस इट देयर, विल यू डिस्कस इट देयर विथ योर फ्रेंड, क्या आप अपने दोस्त से वहाँ पे उस तरह की बातें करेंगे? आंसर होगा नहीं, द आंसर विल बी नो, राइट? सो व्हाट विल यू टॉक अबाउट देयर, क्या वहाँ पे आप कैसी बातें करेंगे, उस जगह पे आप कैसी बातें करेंगे? द थिंग्स विच यू विल डिस्कस ओवर देयर विल बी ऑफ नो इम्पॉर्टेंस, लेस इम्पॉर्टेंस, वहाँ पे आप लोग उस उन चीज़ों की डिस्कशन करेंगे जो कि एकदम ही ज़्यादा तुच्छ होंगी, छोटी होंगी, बेकार होंगी, नॉट इम्पॉर्टेंट होंगी, अनइम्पॉर्टेंट होंगी। सो ट्रिविया मीन्स मैटर्स मैटर्स विच डू नॉट हैव मच इम्पॉर्टेंस, ट्रिविया उन्हें कहते हैं, उन मामलों को कहते हैं जो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, जो उतने ज़्यादा अहमियत नहीं रखते हैं। क्यों, कहाँ से ये शब्द आया? ट्रिविया, तीन रोड, इट कम्स फ्रॉम ट्रिविया मीन्स थ्री रोड्स, द प्लेस वेयर थ्री रोड्स मीट यू विल टॉक अबाउट नॉट सो इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ट्रिविया एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे तीन रोड मिलेंगे, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कोलाहल होगा, कमोशन होगा, तो आप लोग वहाँ पे इम्पोर्टेंट बात की डिस्कशन नहीं करेंगे, वहाँ पे उन बातों की चर्चा होगी जो कि तुच्छ हो, ट्रिविया हो। ट्रिविया उन मामलों को कहते हैं, दोज मैटर्स विच आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट आर ट्रिविया। जॉइन द आर्मी, लेट्स जॉइन द आर्मी, मिलिटेट, मिलिटेट, you always militate against something. I'll tell you, militate, what does militate mean? Militate means to arm or to protect, protect means millet, millet means, millet is the root word, millet is the root word, which means to protect against, millet root word जो होता है उसका मतलब होता है किसी चीज से रक्षा करना, रक्षा करना, millet means to, militate means to protect or to save against something, suppose you have your immune system in the body, ये समझिए कि आपके शरीर में जो रोग रोधक क्षमता है वो क्या करती है, आपको रोगों से बचाती है, it militates your body against diseases, the immune system militates against germs or illnesses, so immune system is protecting you or militating against illnesses. Example, immune system militates against illnesses. Illness. Okay. Militant. Militant means soldier. मिलिटेंट मतलब सैनिक, अब देखिए सैनिक कैसे काम करेगा, मिलिटेंट मीन्स सोल्जर, सोल्जर मतलब सैनिक, हाउ विल अ मिलिटेंट वर्क, इट विल जॉइन द आर्मी, सो मिलिटेंट इज अ सोल्जर, सोल्जर, नथिंग टू डिस्कस मोर अबाउट इट, बिकॉज मिलिटेट और मिलिट मीन्स टू प्रोटेक्ट एंड मिलिटेट मीन्स टू प्रोटेक्ट, एंड हु प्रोटेक्ट्स, मिलिटेंट प्रोटेक्ट्स, हु इज अ मिलिटेंट इज अ सोल्जर,
मिलिटेंट कौन है? सोल्जर है, जो क्या करता है? मिलिटेट करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? तो मिलिट हो गया रूट वर्ड, उससे आया मिलिटेट और मिलिटेंट। वन मोर थिंग, मिलिशिया, मिलिट्री, व्हाट इज मिलिट्री? द आर्मी। मिलिटरी इज द आर्मी, ठीक है? और मिलिटेंट का प्लूरल फॉर्म मिलिटेंट, मिलिशिया, मिलिशिया इज प्लूरल ऑफ मिलिटेंट, मिलिशिया इज द प्लूरल। मिलिटेंट का बहुवचन है मिलिशिया और सोल्जर्स, मिलिशिया मीन्स सोल्जर्स, वन सोल्जर इज मिलिटेंट, मेनी सोल्जर्स मिलिशिया, द होल आर्मी ऑफ मिलिटेंट इज मिलिटरी। ओके, अनदर रूट वर्ड वी हैव टू लर्न इज मैलस, मैलस मीन्स बैड, वेरी 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 बैड, मैलस, मैलस का मतलब होता है जघन्य, नीच, एकदम बुरा, मैलस मीन्स बैड, वेरी बैड। एंड मलाइन, मलाइन, मलाइन मीन्स टू मेक बैड। अगर आप किसी चीज को मलिन कर रहे हैं, मलाइन कर रहे हैं, हिंदी में मलिन कहते हैं, इफ यू आर मेकिंग समथिंग मलाइन और इफ यू आर मलाइनिंग समथिंग, यू आर मेकिंग इट बैड और इम्प्योर। अगर आप किसी चीज को दूषित कर रहे हैं, आप उसको मलिन कर रहे हैं, यू आर मेकिंग इट बैड। सपोज यू आर मेकिंग अ स्वीट डिश एंड समबडी कम्स एंड पुट्स अ सॉल्ट, अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन इट, इट विल बी बैड, राइट? इट विल बी पोल्यूटेड, टू पोल्यूट और टू पोल्यूट मीन्स मलिन, मलाइन। अगर आप किसी चीज को दूषित कर रहे हैं तो मलाइन कर रहे हैं। इट हैज द रूट वर्ड MALUS, मैलस। यूज क्या होता है? मैल, मैल मीन्स मैल, MAL, मैल मीन्स बैड और मैलेडिक्ट। ओके, मैलेडिक्ट मीन्स स्पीक बैड अबाउट समवन। किसी के बारे में अगर आप बुरा बोल रहे हैं तो आप मैलेडिक्ट कर रहे हैं। डिक्टस मीन्स टू से, डिक्टस का मतलब होता है बोलना, स्पीक, डिक्टस, डिक्टा। फॉर एग्जाम्पल इन डिक्टाफोन, वॉट डज अ डिक्टाफोन डू? इट राइट्स वट एवर यू से, डिक्टाग्राफ, इट रिकॉर्ड्स, डिक्टाफोन रिकॉर्ड्स वट एवर यू से। सो से मीन्स डिक्टस एंड डिक्टाफोन, डिक्टाफोन क्या करता है? रिकॉर्ड करता है, वट एवर आप लोग उसको बोलते हैं वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो वट इज मेलाडिक, मेल मीन्स बैड एंड डिक मीन्स स्पीक। तो स्पीक सम, स्पीक बैड अबाउट समथिंग इज और समवन इज मैलेडिक्शन। मैलेडिक्ट इज द वर्ब, मैलेडिक्ट वर्ब है और मैलेडिक्शन इज द नाउन फॉर्म। और स्पीक बैड अबाउट समवन और इवन सिंपलर और टू अब्यूज वर्बली। अगर आप किसी को गाली दे रहे हैं, इफ यू आर अब्यूजिंग समवन वर्बली, अगर आप किसी को मौखिक रूप से गाली दे रहे हैं, अरे तुम तो तुच्छ हो, तुमसे ये नहीं होता, तुमसे वो नहीं होता, तुम अकर्मण्य हो, यू आर वर्थलेस, यू कैन नॉट डू अ थिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू डू नॉट हैव एनी कैपेबिलिटी एक्सेट्रा एंड ऑल दैट स्टफ, देन यू आर अब्यूजिंग वर्बली, यू आर टॉकिंग बैड अबाउट दैट पर्सन। आप उसके बारे में बुरा बात कर रहे हैं या फिर मैलेडिक्ट कर रहे हैं, आप उसे गाली दे रहे हैं, दैट इज मैलेडिक्शन। मैलेडिक्शन मीन्स अब्यूज, वर्बल अब्यूज। मौखिक गाली इज मैलेडिक्शन। ओके, वॉल,
वॉल मीन्स विश, इच्छा, वॉल मीन्स इच्छा, विश, वॉल का मतलब होता है विश। तो मैलेवॉलेंट मीन्स विशिंग बैड, मैलेवॉलेंट मीन्स विशिंग बैड, अबाउट विशिंग बैड फॉर समवन। अगर आप किसी के बारे में बुरा चाहते हैं, सोचते हैं, तो यू आर मैलेवोलेंट। मैलेवोलेंट मीन्स अ पर्सन हू विशेस बैड अबाउट समवन। अगर आप किसी के बुरा चाह रहे हैं, इफ यू विश बैड फॉर अ पर्सन देन यू आर मैलेवोलेंट अबाउट इट। यू आर मैलेवोलेंट, आप उसका बुरा चाह रहे हैं। यू विश दैट बैड थिंग्स मे हैपन टू द पर्सन। तो दैट इज मैलेवोलेंट। ओके, मैलिफिकेंट, फिक, फिक और फैक means to make, fact, the fig means to make, and mal ficket means to make bad, ठीक है, और to make with hand, no that is manufacture, okay, fact or fig means to make, where थिंग्स आर मेड, जहां चीजें बनती हैं उसे क्या कहते हैं, फैक्ट्री, प्लेसेस, प्लेस वेयर थिंग्स आर मेड इज फैक्ट्री, राइट, जहां चीजें बनती हैं वो क्या है, फैक्ट्री है। तो फैक और फिक मीन्स टू मेक, ठीक है, तो मैलिफिकेंट मीन्स टू मेक बैड, या फिर मैलिफिकेंट मीन्स टू डू बैड टू समवन। मैलिफिसेंट मीन्स अ पर्सन, अ मैलिफिसेंट पर्सन, डज बैड टू समवन। अ मैलिफिसेंट पर्सन, एक मैलिफिसेंट व्यक्ति किसी का बुरा करता है, वो क्या करता है, हानि पहुंचाता है। दे एक्चुअली और दे मे हार्म, दे मेक बैड, वो क्या करते हैं, बुरा करते हैं, दे मेक बैड, दे मेक, they do bad things to people, maleficent people are persons who do bad things to people, वो वैसे व्यक्ति होते हैं जो लोगों को बुरा करते हैं, लोगों का बुरा करते हैं। malefactor वो कौन है, person, a maleficent person, a person who does bad, एक पर जो व्यक्ति बुरा करता है, is a malefactor does bad things। अगर किसी का बुरा किया जाए तो maleficency हो जाएगी, maleficence होगा, और if you do a bad things to a people that act will be maleficence, आप होंगे malefactor, you will be a malefactor, and the adjective for you will be maleficent। अगर आप बुरा करते हैं किसी का तो आप malefactor हैं, आपके लिए जो adjective है यो वो होगा maleficent, और noun हो जाएगा maleficency या फिर maleficence। okay, malefaction, malefaction same, fac means make, mal means bad, तो the act of malefaction,
मैन्युफैक्चरिंग इज द, मैन्युफैक्चरिंग इज द नाउन, नाउन हो गया, मैन्युफैक्चर संज्ञा हो गया मैन्युफैक्टर या फिर मैलिफिकेंस का, मैन्युफैक्टर इज एक्चुअली व्हाट काइंड ऑफ नाउन, इट्स अ नाउन, ओके, मैन्युफैक्टर जो है नाउन है एंड मैन्युफैक्चरिंग इज व्हाट काइंड ऑफ नाउन, भाववाचक संज्ञा है, इट इज, इट्स नॉट कमिंग टू माय माइंड एक्चुअली, द नाउन विच यू कैन नॉट टच और फील, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा है मैलिफैक्शन, एंड मलीस, मलीस मीन्स बुराई, मलीस मीन्स वाइस, और sin, malice means it's a noun, malice means noun, it comes from mal, malice वो एक noun है जिसका मतलब होता है पाप, और vice और sinful wish, अगर आपके मन में बुरी इच्छाएं हैं तो आपके मन में malice है, किसी के प्रति अगर आपके मन में बुरी इच्छाएं हैं तो आपके मन में मलीस है, MALICE, मलीस, इफ यू विश बैड फॉर पीपल, इफ यू आर वेरी मैलेवोलेंट अबाउट दैट पर्सन, बट इट इज वेरी ग्रेव, यू आर थिंकिंग इन अ वेरी सीरियस टोन, देन इट इज मलीस, you think that okay he this person should die, this person's hands or legs should break, aap uske bare mein soch rahe hain ki wo mar jaye, uska haath pair kat jaye, etc etc, that is malice, bura se bura sochna, that is malice, buri bhavna, durbhavna, malady, okay, another word, malady means ill, malady, mal, mal means what, malus means burai or badness or bad, mal means bad, and malady comes from the word malice and it means illness, if you are suffering from a malady you are suffering from illness, agar aap malady se suffer kar rahe hain to aap koi kisi bimari se suffer kar rahe hain, malady ya fir bimari, malady means illness, malnutrition, mal means bad or malus means bad and nutrition means nutrition, portion, malnutrition means the content, the food content that we have, that is nutrition, so malnutrition means bad nutrition, malnutrition is bad nutrition, kuposhan, hindi mein kuposhan bolte hain, bad nutrition, or not enough, that is bad nutrition, and malnutrition needs to malnutritious diseases, malnutrition jo hai wo kuposhan, kuposhan ke karan bahut sari bimariyan hoti hain, wo to malnutrition, malpractice means bad act, bura karma, malpractice bura karma, उसे मैल प्रैक्टिस करते हैं, बैड एक्शन और मैल प्रैक्टिस इज बैड वर्क, ओके, लेट्स रिवाइज द सेशन 4 एंड देन वी विल रिवाइज सेशन 5 इन द सेम सेशन इटसेल्फ, दैट इज 4 एंड 5, titillate means we have already known in the first one, adulate, proscribe, prohibit, inhibit, we have already discussed, script, scribble, it all comes from writing, scribble, script, ये सब writing में आते हैं, describe मतलब किसी चीज़ को detail में discuss करना, describe means to discuss something in detail, means writing, subscribe means writing under something, suppose writing your name under the book of something, write inside the book is inscription, अगर आप किसी किताब के अंदर लिखना है तो that is inscription, postscript, सपोज राइटिंग आफ्टर अ लेटर, अगर आप किसी लेटर के बाद में दो लाइनें जोड़ देते हैं तो दैट इज पोस्ट स्क्रिप्ट,
हाथों से लिखी हुई किताब को मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, हैंड रिटन बुक इज कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। ऑब्वियस इज सो ऑब्वियस और सो नोटिसेबल एज इफ इट वॉज इन द मिडल ऑफ द रोड, दैट इज ऑब्वियस। ऑब्वियसली ऑब्विएट, ऑब्वियसनेस, दिज आर नाउन फॉर्म। ट्रिविया मीन्स सो नॉन पर्सनल या फिर सो नॉन इम्पॉर्टेंट दैट यू कैन डिस्कस दोज थिंग्स इन पब्लिक प्लेसेस आर ट्रिविया और ट्रिविया। ओके, ट्रिवियल मैटर्स। मिलिटेट मीन्स टू प्रोटेक्ट, मिलिटेंट अ सोल्जर, मिलिट्री मीन्स द आर्मी, मिलिशिया मीन्स प्लूरल ऑफ मिलिटेंट। बैड मैलस, वी सॉ मेनी वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड मैल लाइक मलाइन, मेलेडिक्ट मीन्स स्पीकिंग बैड, मलाइन मीन्स टू मेक बैड और पोल्यूट। मैलेडिक्शन यू वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, मैलेवोलेंट मीन्स विशिंग बैड, अगर आप किसी के बारे में बुरा चाहते हैं तो दैट इज मैलेवोलेंसी। फैक्ट्री, फैक्ट्री कम्स फ्रॉम फिक योर फैक, दैट मीन्स अ प्लेस वेयर थिंग्स आर मेड। मैलेफिशेंट मीन्स यू मेक बैड, यू डू समथिंग, यू डू हार्म टू अ पर्सन। मैलेफैक्टर इज अ पर्सन हु डज bad things to people. Malefaction means the abstract noun form of malefactor. And malice is vice or sinful wish. अगर आप किसी के बारे में बहुत बुरा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुरा सोच रहे हैं, तो that is malice. आपके मन में उसके लिए पाप है, घृणा है, malice. Malady means illness. Malnutrition means bad nutrition. And malpractice means bad act. या फिर बुरा कर्म। ओके, इन द सेम सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेशन 5 एज वेल। व्हाई? बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग गुड एज वेल। गुड मीन्स बीइंग और बॉर्न। Born or been, been or born means good. Suppose you have heard about the word bon voyage. Bon voyage means happy journey. It's a French term actually, but used in English. Bon voyage एक ऐसा term है जो कि French है लेकिन English में भी use होता है। उसका मतलब होता है happy journey और have a good journey, have a safe journey. आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो bon means good, bon means good और been, B-E-N-E means good. So malign, it does not have any other form. Maledict, what will be the opposite of maledict? Or speak bad about something, speak good about something, right? To speak been about something, to benedict, verb. Speak good about something or someone is benediction. Benediction, benedict is verb and benediction is noun, abstract noun. अगर आप benedict कर रहे हैं तो आप अच्छा बोल रहे हैं उसके बारे में, उसका मंगल गान कर रहे हैं आप, उसके बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे हैं आप, उसकी बड़ाई कर रहे हैं या फिर आप उसके उसको उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो दैट इज बेनेडिक्शन। तो आप लोग अच्छा बोल रहे हैं उसके बारे में। बीन मीन्स गुड। मैलेडिक्शन इज द ऑपोजिट वर्ड, वी हैव ऑलरेडी सीन, लाइक वर्बल अब्यूज। मैलेवोलेंट, ओके, इफ यू विश बैड अबाउट समवन इट्स मैलेवोलेंट। अगर आप किसी के बारे में बुरा चाहते हैं तो दैट इज मैलेवोलेंट। व्हाट विल बी द ऑपोजिट ऑफ मैलेवोलेंट? ट्राई बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट मीन्स विश
गुड अबाउट अ पर्सन, गुड फॉर अ पर्सन। मैलीवॉलेंस, एक्चुअली मैलीवॉलेंट हो गया, मैलीवॉलेंट इज अ एडजेक्टिव एंड मैलीवॉलेंस इज नाउन, विश गुड फॉर अ पर्सन, दैट इज मैलीवॉलेंस। फैक्ट्री, ओके, मैलिफिशेंट, मैलिफिशेंट अगर आप किसी का बुरा करते हैं तो दैट इज मैलिफिकेंसी, इफ यू डू बैड फॉर समवन दैट इज मैलिफिकेंसी। व्हाट इज बेनिफिशियल, बेनिफिकेंट, बेनिफिशेंट, बेनिफिशेंट मींस एक्ट दैट इज गुड फॉर समवन। अगर आप किसी का अच्छा करते हैं, इफ यू डू गुड फॉर समवन दैट इज बेनिफिशियल, इफ यू डू गुड फॉर समवन यू आर बेनिफिशियंट एंड द एक्ट इज बेनिफिशियंट फॉर दैट पर्सन। मैलिफैक्टर द पर्सन हु डज बैड, बेनिफैक्टर इज द पर्सन हु डज गुड। बेनिफैक्टर, BENEFACTOR, बेनिफैक्टर, पर्सन हु डज गुड। Is benefactor, okay? Malefaction, benefaction, we have already seen. Malice, it does not have any opposite. Malady, it does not. Malnutrition, bill nutrition, there is no such word as bill nutrition, or malpractice or bin practice, there is no word as bin practice. Whatever words, so the words which we learned in the fifth session, the words which we learned in the fifth session are benefactor, beneficent, benevolence and benediction, benedict, and it all comes from the bin or bon, it means good. हम लोगों ने जो नया नया वर्ड सीखा फिफ्थ सेशन में वो है benedict, benediction, benevolence जो होता है wishful thinking या फिर good thinking, beneficent, do good for someone that is beneficent, and benefactor is the person who does beneficency. Okay, move on. Some other words which is related to the root word bon. Bon means good, and bonus, bonus is what? Bonus kya hai? Bonus मतलब वो मनी, जो वो पैसा जो कि अच्छी भावना से दिया गया है मालिक द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ को, द बोनस मनी इज दैट एक्स्ट्रा मनी दैट इज गिवन टू एम्प्लॉयज़ बाय द एम्प्लॉयर इन गुडविल। तो मनी गिवन इन गुडविल इज बोनस, जैसे फैक्ट्री के वर्कर्स को बोनस मिलता है, सो दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड बोनस। बोनस जो पैसा है उसका एक्चुअल मतलब यही होता है कि इन गुडविल, अच्छी सोच रखते हुए जो पैसा दिया जाता है मालिकों द्वारा अपने एम्प्लॉयज को, अपने कर्मचारियों को, उसे बोनस कहते हैं। व्हाट इज बिनाइन, अब बिनाइन इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एक तरह का एडजेक्टिव है, इट्स एडजेक्टिव, एंड बिनाइन मींस गुड, गुड। बिनाइन, बिनाइन इज नॉट हार्मफुल और नॉट हार्मफुल। बिनाइन कम्स फ्रॉम द वर्ड बीन और बोनस, बॉन, एंड इट मींस नॉट हार्मफुल। बिनाइन का मतलब होता है अच्छा या फिर हानिकारक नहीं, जो हानिकारक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बिनाइन ट्यूमर, अगर कोई ट्यूमर है जो कि हानि नहीं पहुंचा रहा है,
जो कि छोटा सा है, हानि नहीं पहुंचा रहा है, उसे उसके रहने से कोई किसी तरह की हानि ना हो, तो उसे बिनाइन कहते हैं, छोटा। और फिर नॉट हार्मफुल, ज़्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। तो सच ट्यूमर्स आर डिस्क्राइब्ड एज बिनाइन ट्यूमर्स और नॉट हार्मफुल ट्यूमर्स। ओके, बोना फाइड, अनदर वर्ड। बोना मीन्स यू नो गुड, एंड फाइड मीन्स ट्रस्ट। फाइड मीन्स ट्रस्ट, FID, फाइड। फाइड इज एक्चुअली अ रूट वर्ड, फाइड। सो बोना फाइड मीन्स इन गुड ट्रस्ट। बोनाफाइड का मतलब होता है गुड ट्रस्ट में, आप गुड ट्रस्ट में है किसी पर। अगर आप किसी पर विश्वास करते हैं तो आप अच्छा विश्वास के साथ, सुविश्वास के साथ आप उसके बारे में बात करते हैं। यू मस्ट हैव ऑल गॉन टू योर कॉलेज टू गेट योर बोनाफाइड सर्टिफिकेट। बोनाफाइड इन गुड ट्रस्ट, यू गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम योर कॉलेज दैट ओके दिस दिस सर्टिफिकेट इज बीइंग गिवन टू दिस पर्सन इन गुड ट्रस्ट, आई ट्रस्ट दिस पर्सन। अगर आप अपने कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेते हैं तो आपका कॉलेज आपको एक सर्टिफिकेट देता है, यह कहते हुए कि हाँ मैं इस व्यक्ति में अच्छा विश्वास रखता हूँ। बोनाफाइड सर्टिफिकेट, आई ट्रस्ट दिस पर्सन एंड दिस पर्सन इज गुड, दैट इज बोनाफाइड। बोनाफाइड, FID। फाइड मीन्स ट्रस्ट। फॉर एग्जाम्पल इन द वर्ड फिडिलिटी, फिडिलिटी मीन्स ट्रस्ट वर्दिनेस। ट्रस्ट वर्दिनेस इज फिडिलिटी, विश्वसनीयता फिडिलिटी है। फाइड मतलब, फाइड मीन्स ट्रस्ट। सो इफ यू आर फिडेल देन यू आर ट्रस्ट वर्दी। फिडिलिटी मीन्स ट्रस्ट वर्दीनेस। ये एक नाउन है, ये एक संज्ञा है। एंड एडजेक्टिव विल बी फिडेल। फिडेल का मतलब होता है विश्वसनीय। फिडेल, फिडेल मीन्स, फिडेल इज एडजेक्टिव एंड इट मीन्स ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी, फिडल। ओके, मेलेडिक्ट वी हैव ऑलरेडी सीन, मेलेडिक्ट, सो नो नीड टू डिस्कस ओवर हियर। ओके, वी विल डिस्कस मोर अबाउट मेलेडिक्ट, वी हैव ऑलरेडी डन दैट। बैड और वर्बल अब्यूज, मेलेडिक्ट, दैट इज स्पीकिंग बैड अबाउट द पर्सन इज मेलेडिक्ट। ओके, अनदर वर्ड from the root word dict. Dictus means speak or say. And dictate means to tell others what to do. Dictator, डिक्टेट करना किसका काम होता है? डिक्टेटर का काम होता है। हु डिक्टेट्स? अ डिक्टेटर डिक्टेट्स। सो व्हाट डज अ डिक्टेटर डू? ही टेल्स अदर पीपल व्हाट टू डू। ही टेल्स पीपल, ही डिक्ट्स पीपल, ही डिक्टेट्स पीपल व्हाट टू डू। वो लोग क्या करते हैं? डिक्ट करते हैं या बोलते हैं या डिक्टेट करते हैं दूसरों को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल A dictator dictates people. Contradict. Contra means against. आप लोगों ने कॉन्ट्रा तो खेला होगा, वो जो एक बचपन में हम लोगों ने गेम खेला था। यू गाइज माइट हैव प्लेड द गेम कॉन्ट्रा वेन यू आर किड्स। कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा मीन्स अगेंस्ट। सो कॉन्ट्राडिक्ट, टू स्पीक अगेंस्ट। कॉन्ट्राडिक्ट
means to speak against. कॉन्ट्रा का मतलब होता है विरोध, और अगर आप किसी के विरोध में बोल रहे हैं, किसी के विरोध में बोल रहे हैं, किसी के विरुद्ध बोल रहे हैं, तो देन यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग हिम, कॉन्ट्राडिक्ट करना. सो यू आर स्पीकिंग अगेंस्ट दैट पर्सन. मैलिफैक्शन यू ऑलरेडी नो, डू बैड एक्ट, मैलिफैक्शन इज अ बैड एक्ट. फैक्ट्री इज द प्लेस वेयर थिंग्स आर मेड. फैक्टर, हूएवर मेक्स, उसको फैक्टर कहते हैं. फिक्शन, मेड अप. फिक्शन मतलब मेड अप. अगर हिंदी में इसका शब्द का मतलब जाना जाए तो इसका मतलब होता है काल्पनिक. एंड फिक्शन इज एक्चुअली मेड अप और इमेजिनरी. काल्पनिक, मेड अप. If you get the word made up, that means banaya hua, banavati. It means made, artificially made. It is not actual, but it is artificially made. Give me one moment. Fiction ka matlab hota hai, jo ki imaginary hota hai, made up hota hai. If you make up something that is not actually there, you are fictionizing it. You are making a fiction out of it. अगर आप किसी चीज़ को बना रहे हैं जो कि ऑलरेडी नहीं है, वो वास्तविकता में नहीं है, तो वो अवास्तविक है या फिर फिक्शियस. मैन्युफैक्चर मींस मेक बाय हैंड, मेक विद हैंड. अगर आप किसी चीज़ को हाथों से बना रहे हैं तो यू आर मैन्युफैक्चरिंग इट. मैन्यू मींस आर्टिफिशियल. आर्ट अनफिशियल, आर्ट जो रूट वर्ड है. आर्ट मीन्स, और आर्टिफिशियल मीन्स मेड विथ ह्यूमन आर्ट. आर्टिफिशियल का मतलब होता है मेड विथ ह्यूमन आर्ट. ह्यूमन आर्ट या फिर मानविक कला के या मानविक कीर्ति के द्वारा बनाया हुआ, मानविक क्रिया या कृति के कारण बनाया हुआ. मेड विद द ह्यूमन आर्ट. इफ अ ह्यूमन मेक्स इट, इट इज नॉट नेचुरल. वो नेचुरल नहीं है, वो नेचर प्राकृतिक नहीं है, तो दैट इज आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल इज और not natural, made by human hands or made with human art is artificial. art, art मतलब कला होता है, तो मानविक कला द्वारा बनाया गया चीज artificial. voluntary, okay, another thing. volus, we remember what is volus, right? V-O-L, vol. vol means wish. Vol means wish. So voluntary. What is a voluntary action? Voluntary means wishful. Wishful. Voluntary means wishful action. Wishful action. अगर कोई कार्य voluntarily किया गया हो, जैसे volunteer होता है, तो वो क्या करते हैं? स्वयं सेवक होते हैं. वो लोग स्वच्छंद रूप से आते हैं, वो लोग अपनी इच्छा से आते हैं, स्वेच्छा से आते हैं. वॉलेंटरी, वॉलेंटरी. वॉलेंटियर्स कम विद देयर ओन विश. दे विश दैट दे शुड कम टू हेल्प, देन ओनली दे कम. सो वॉल मीन्स विश एंड वॉलेंटरी मीन्स सच काइंड ऑफ एक्शंस दैट यू आर विशिंग टू डू दैट. सपोज you are picking up something with the help of your hands, you pick something with your hands, then you are doing a voluntary action. Involuntary, agar aap kisi cheez ko uthate hain to aap log voluntary action karte hain.
आप लोग उस चीज को चाहते हैं, स्वेच्छा से चाहते हैं, तो इनवॉलेंटरी एक्शन इज नॉट विशफुल एक्शन। इन मीन्स नेगेटिव, इन का मतलब होता है नेगेटिव, नॉट विशफुल एक्शन। वैसी क्रियाएं जिसका आप जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वैसी क्रियाएं जिस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, सच एक्शंस विच यू कैन नॉट कंट्रोल विथ योर विश। सपोज योर ब्रीदिंग, यू कैन नॉट कंट्रोल इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। योर हार्ट बीट, यू कैन नॉट कंट्रोल इट। आपकी जो सांस लेने की क्रिया है उसको आप लोग ज़्यादा देर तक रोक कर नहीं ले सकते। आप अपनी दिल की धड़कनों को नहीं रोक सकते, राइट? तो वो लोग क्या है, वो वैसी क्रियाएं क्या है, इनवॉलेंटरी एक्शन। इनवॉलेंटरी, नॉट वॉलेंटरी, नॉट विशफुल एक्शन। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हार्ट बीट, बीटिंग ऑफ द हार्ट। वॉलंटियर दैट हेल्प्स विशफुली। वॉलंटियर तो समझ में आएगी आप, वॉलंटियर द पर्सन हु हेल्प विद देयर ओन विश, दे आर नॉट फोर्स्ड, विदाउट एनी फोर्स, विदाउट एनी फोर्स और पेमेंट। उनको पे नहीं किया जाता है, उनको पैसे नहीं दिए जाते हैं, उनको उनसे किसी तरह से ज़बरदस्ती नहीं की जाती है, फिर भी वो लोग अपनी इच्छा से आके आपका काम करते हैं, आपकी मदद करते हैं। दोज आर वॉलंटियर्स। एंड वोल्यूशन इज विश। वोल्यूशन या फिर इच्छा, वोल्यूशन मीन्स विश, वोल्यूशन मीन्स विश। इफ यू विश फॉर समथिंग, यू आर एक्चुअली हैविंग वोल्यूशन फॉर समथिंग। VOLITION, दिस वर्ड इज ऑब्सोलेट, दिस वर्ड is obsolete, obsolete, obsolete. This word is obsolete. ये word अब use नहीं किया जाता है, volition. लेकिन ये एक पुराना word है, कभी कभी पूछा जा सकता है. It comes from vol, that is wish. ये vol से आता है, जिसका मतलब होता है इच्छा, and volition एक संज्ञा है, which means wish. Volition is a noun. ओके, प्लेकेट, यू नो व्हाट इज प्लेकेट, प्लेकेट कम्स फ्रॉम प्लीज, प्लैक मींस प्लीज, प्लैक का मतलब होता है किसी को खुश करना या फिर शांत करना, काम करना, किसी को शांत करना। प्लैक मींस प्लीज और काम। प्लेकेट मींस, placate means to calm or please someone, or please someone, sorry, calm someone. If you are placating someone, then you are doing acts which please that person. अगर आप किसी को placate कर रहे हैं तो आप वो कार्य कर रहे हैं जिससे सामने वाले को खुशी मिले, आप उसको खुश कर रहे हैं, तो यू आर प्लेकेटिंग समवन, या आप उसको शांत कर रहे हैं। अगर कोई आदमी गुस्सा है, अगर आपकी माता श्री गुस्सा हो गई, तो आप क्या करेंगे, नहीं माँ आज मैं बाहर खेलने नहीं जाऊँगा, ठीक है मैं ऑफिस जा रहा हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है माँ कल से मैं घर जल्दी आऊँगा ऑफिस से। Suppose your mother becomes angry, what you will do? You will try to calm her. You will say that, okay, ma, I am not going to play out today. I will do my homework. Or if you are coming late from office and your mother or your wife gets angry, you say that, okay, I will come from office tomorrow at time. Do not, you need not to worry about it. Please do not get angry, etc., etc. So you are what? You are doing what? You are trying to placate that person. You are trying to please that person or calm that person. आप उसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं. Placable, placable. So जो काम हो जाए,
प्लेकेबल इज अ पर्सन जिसको काम किया जा सके, वो पर्सन जिसे काम किया जा सके, जिसको प्लीज किया जा सके। अ प्लेकेबल पर्सन इज अ पर्सन हु कैन बी प्लेकेटेड, हु कैन बी प्लेकेटेड और वह व्यक्ति जिसे काम किया जा सके, जिसे शांत किया जा सके या खुश किया जा सके या प्लेकेट किया जा सके, वैसा व्यक्ति प्लेकेबल है। इम्प्लेकेबल जिसे शांत नहीं किया जा सकता। इन एन इम्प्लेकेबल पर्सन इज अ पर्सन हु कैन नॉट बी काम्ड और प्लीज्ड और प्लेकेटेड इज एन इम्प्लेकेबल पर्सन। प्लासिड, प्लासिड इज वेदर के लिए इस्तेमाल होता है। प्लासिड इज एन एडजेक्टिव, प्लासिड इज एन एडजेक्टिव यूज टू डिस्क्राइब व्हाट। प्लासिड एक एडजेक्टिव है जो कि विवरण देने के काम होता है, किसका? मौसम का। इट इज यूज टू डिस्क्राइब वेदर। प्लासिड वेदर मीन्स मीन्स काम और प्लेजेंट, प्लेजेंट, PLEASANT, प्लेजेंट, प्लेजेंट वेदर। एग्जाम्पल वेदर या फिर सराउंडिंग्स। अगर आपका जो माहौल है वो खुशनुमा है, प्लासिड है, शांत है, इफ द सराउंडिंग्स अराउंड यू इज प्लासिड, इट इज ब्यूटिफुल, इट इज काम, इट इज प्लेजेंट, देन इट इज प्लासिड। एंड इट कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड प्लैक। वो कहाँ से आया ये रूट, ये वर्ड आया रूट वर्ड प्लैक से, PLAC, जिसका मतलब होता है प्लेजेंट या फिर काम। ठीक है, कम प्लेजेंट, प्लेजेंट कंपनी। कॉम प्लेसेंट, कॉम मीन्स विथ, कॉम का मतलब विथ, तो अ कॉम्प्लेसेंट पर्सन मीन्स अ प्लेजेंट फ्रेंड, अ प्लेजेंट कंपनी। अगर आप किसी के साथ गए हैं एंड ही इज कॉम्प्लेसेंट, तो आप उसके साथ खुश रहिएगा, कॉम्प्लेसेंट रहिएगा। अ प्लेसेंट पर्सन, अ कॉम्प्लेसेंट पर्सन मीन्स अ पर्सन विथ होम यू विल बी, विथ होम यू विल बी प्लेकेटेड और विथ होम यू विल बी प्लीज्ड। एक कॉम्प्लेसेंट पर्सन ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप खुश रहिएगा, प्लीज्ड रहिएगा, शांत रहिएगा, प्लेकेटेड रहिएगा। तो इट हैज द रूट वर्ड प्लैक ओवर हियर, यू सी दैट प्लैक, कॉम्प्लेकेट। कॉम्प्लेसेंस इज द नाउन, नाउन हो गया कॉम्प्लेसेंस। ओके, कॉन्डोन तो हमने बताया ही था, कॉन्डोन मीन्स टू फॉरगिव, कॉन मीन्स गिव, कॉन मीन्स विथ एंड डोन मीन्स गिव। ठीक है, तो फॉर गिव, तो कॉन डोन मीन्स गिव विथ और टू फॉर गिव। डोनेशन, डोनेशन, डोन मीन्स टू गिव, उसी से आया डोनेशन, डोन मीन्स टू गिव एंड इट इज द रूट वर्ड, डोन मीन्स द रूट वर्ड डोन एंड डोनेशन इज द एक्ट ऑफ गिविंग अवे। दान करने को डोनेशन कहते हैं। कहां से आया? डोन से आया। हु डोनेट्स? अ डोनेशन, डोनर डोनेट्स, द पर्सन हु डोनेट्स इज अ डोनर।
So I think this is the end of this session for today. And in the next session, we are going to discuss some more words, and the document which I have already uploaded in the previous video, I am going to update that video, and this video will be available. ये जो वीडियो ये जो डॉक्यूमेंट है जो अपडेटेड डॉक्यूमेंट है ये मैं पिछले डॉक्यूमेंट के साथ ही जोड़ दूंगा, अपडेट कर दूंगा, वो आप उसी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं. और इस डॉक्यूमेंट का लिंक वीडियो नंबर 8 के पार्ट 1 और 2 दोनों में अवेलेबल होगा. दोनों पार्ट्स में, बोथ द पार्ट्स विल हैव द डिस्क्रिप्शन containing the link where, from where you will be able to download Word Power Made Easy document number 8. So thank you, and till the next time, keep learning. Please share so that I can see who all are interested in it. Or I want that maximum number of people join with us, and thank you. Have a good one. Bye bye.